शराब कम दामों पर मिल रही है, क्या कहेंगे? बढ़िया, अच्छी बात है, पूरे दिल्ली पिएगी और झूमे। अच्छा बात सुनो, सैनिटाइजर क्या है? अल्कोहल है ना, अल्कोहल हाथ धोने से चल जाएगा कोरोना, पीने से नहीं जाएगा। बेटी जा रही है भाई, सरकार सही कर रही है, ये दारू बट रही है तो जहाँ। लेकिन भैया मिल रहा है, पर पीने वाले हैं तो लेके जाएंगे। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। एक तरफ जहाँ अरविंद केजरीवाल गोवा और पंजाब में नशाबंदी नशा मुक्ति की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के शासित प्रदेश में 50% पे मुफ्त पे शराब मिल रही है। मतलब आप एक बोतल लेने अगर आए हैं तो एक के साथ एक लमसम फ्री मिल रही है इस समय। और ये आज चौथा दिन है लगातार, शनिवार के बाद आज मंगलवार हो गया है और चौथे दिन लगातार आज एक के बाद एक पेटी मुफ्त मिली। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं यहाँ पर कि किस तरह लोग एक दो बोतलें नहीं, पेटी की पेटी भरकर यहाँ पर ले जा रहे हैं और एक लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। और 50% मुफ्त पे जो शराब है वो मिल रही है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक ख़त्म करने के लिए भी बात कही जा रही थी। और 50% से जो कम प्राइस है उस पर जो शराब है वो मिल रही है, मतलब एक बोतल पर एक बोतल फ्री और एक पेटी पर एक पेटी फ्री। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे शराब इतने सस्ते दामों पर मिल रही है, क्या कहेंगे? भाई मैं सेलमैन हूँ आगे यार। अरे सेलमैन है तो आप सस्ते दामों पर शराब क्यों मिल रही है? कंपनी दे रही है, डिस्काउंट दे रही है। किस बात का डिस्काउंट? आप पता नहीं किस बात का भाई, आपने एक बोतल पर एक बोतल शराब फ्री मिल रही है, ये कैसा डिस्काउंट हो गया? कंपनी दे रही है, हमें पता नहीं, जो ऑफर है वही बता रही है। ऑफर है ये या स्टॉक खत्म करने के लिए ये कम दामों पर शराब बेची जा रही है? नहीं पता नहीं हमें सर, कुछ नहीं है। चलिए ये कुछ साफ साफ बता नहीं रहे, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं शराब कम दामों पर मिल रही है, क्या कहेंगे? बढ़िया, अच्छी बात है, पूरे दिल्ली पिएगी और झूमे। अच्छी बात है। लेकिन केजरीवाल पंजाब और गोवा में कह रहे हैं कि हमें जो प्रदेश है वो शराब मुक्त करना है, नशा मुक्त करना है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में 50% सस्ते दामों पर शराब मिल रही है। ये राजनीति स्टंट होती है, सिर्फ बोलने वाली बात है, करना कुछ नहीं है। टैक्स से जिंदा है सारी सरकार, दिल्ली सरकार चाहे गोवा सरकार, शराब कभी बंद ही नहीं हो सकती। मैं ये कह रहा था कि हरियाणा के अंदर शराब खुली रही है, दिल्ली के अंदर शराब बंद की है, क्यों? पहले कोरोना का टाइम जो कि 75% जो है। लेकिन दिल्ली में भी कोरोना काल में दिल्ली में भी शराब के ठेके खोले गए थे, बाद में खोल दिए गए। नहीं मिली, नहीं मिली है, क्योंकि अब क्यों खोला गया? कोरोना जो है शराबियों को नहीं हुआ किसी को, कोरोना उनको हुआ है जो के बीमार थे। शराब पीने से क्या कोरोना खत्म हो रहा है? जब बात सुनो, सैनिटाइजर क्या है? अल्कोहल है ना, अल्कोहल हाथ धोने से चल जाएगा कोरोना, पीने से नहीं जाएगा। तुम बताओ ना, पीने से नहीं जाएगा क्या? अगर कोरोना ही था मतलब तो जरूरी था केजरीवाल को देने के लिए। लगातार आज चौथा दिन है और केजरीवाल ने पहले बेवकूफी किया, अब समझदारी कर रहा है। अच्छा, अब समझदारी कर रहा है, खोल के भीड़ कम कर रहा है। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहे हैं, सस्ती कर रहा दारू। खत्म की जा रही है भाई, खत्म की जा रही है, ज्यादा बेच के ज्यादा पी के। लगातार चौथा दिन है और सस्ते दामों पर शराब मिल रही है। अरे चौथा क्या, मार्च तक चलेगा? अभी तुम्हारे को नहीं पता? बीजेपी गवर्नमेंट ने कभी आज तक किया है? 25 साल हो गए हमारे को शराब पीते पीते, साली महंगी करी बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, 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 बढ़िया। 10% महंगी हुई, कोरोना खत्म होने का फिर 10% महंगी हुई, वो 20% का जो भुगतान। आप मुझे एक बात ये बताइए, जो अगर अधिक शराब आप पीते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है, सस्ते दामों पर? अरे अंकल, अगर आप अधिक शराब पीते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आपको सस्ती शराब मिलेगी, अगर आपको सस्ती शराब मिलेगी तो आप अधिक सेवन करेंगे। हम नहीं पियेंगे, दो पैक पीने, दो पैक पीता हूँ मैं, यही का चक्कर है, ज्यादा नहीं पीता। पेटी लेने आए? तुम्हारी तो एज भी नहीं है। 22। कितनी है? पूरी है। कितनी एज है? 19 साल के हो? हाँ। शराब पीने लगे कब से पी रहे हो शराब? बियर पीता हूँ, बियर। अंकल क्या कहोगे? शराब पियेंगे बेटा, शराब। सस्ती शराब मिल रही है? हाँ जी। तो सही है या गलत है ये? सही भी है, गलत भी है। आपके लिए क्या है? हमारे लिए ठीक ही है। इतनी सस्ती शराब मिल रही है चार दिन से, तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, हम तो एक दिन के पीने वाले हैं, कौन से रोज पीने वाले हैं। जो और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी जान लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी मेरी एक लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो शराब है उसके सेवन से कोरोना दूर हो जाएगा। और भी लोग यहाँ पर हैं, इनसे भी जानेंगे। चार दिन हो गए लगातार, आज चौथा दिन है, सस्ती शराब मिल रही है और इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, क्या कहेंगे? मतलब मालूम नहीं है भाई साहब, शराब लेने आए आप, सस्ती शराब मिल रही है, एक पे एक फ्री मिल रही है। हाँ जी, मिल बढ़िया मिल रहा भाई जी। हाँ जी, केजरीवाल जी ठीक कर रहे हैं? ठीक कर
कर रहे हैं। कल को ज़्यादा शराब पीने से अगर किसी की मौत होती है या कोई दुर्घटना होती है, लोग बीमार पड़ते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कोई नहीं, बात बात कर लो। कल को ज़्यादा शराब पीने से कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? शराब तो नुकसान है ही है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन पार्टी पार्टी के लिए क्या करें, लेना ही पड़ता है। एक के साथ एक मुफ्त मिल रही है, लोग मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर कोई बोतल नहीं ले जा रहा, यहाँ पेटियाँ जा रही हैं सीधे। नहीं गलत है, ये पेटी नहीं लेनी चाहिए, एक दो दो बोतल लेनी चाहिए लोगों को। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा पीछे तक दिखाएं, ये काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई, लगभग लगभग यहाँ 50 लोग जो हैं वो इस टाइम लाइन पर लगे हुए हैं, और यहाँ काफ़ी छोटी उम्र के लोग भी यहाँ पर हैं। शराब पीने बियर लेने आए हो? कितनी उम्र है? 19 साल के हो, बियर पीने लगे हो? सस्ते दामों पे बियर मिल रही है, ठीक लग रहा है? मैं तो वैसे भी पीता रहता हूँ। घर वाले देखेंगे मना नहीं करते? नहीं मना करते। अच्छा जी, और भी लोग हैं यहाँ, इनसे भी जान लेते हैं। 4 दिन हो गए अंकल लगातार सस्ती शराब मिल रही है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सस्ती शराब मिल रही है, 4 दिन हो गए हैं। बाय वन फ्री का ऑफर चल रहा है ना? मैं वही बात कर रहा हूँ कि ऑफर है बाय वन गेट वन फ्री का। लोग बाग ज़्यादा शराब पियेंगे, ऐसे एक के साथ एक मुफ्त मिल रही है, लोग एक्सेसिव शराब का जो है शराब का सेवन करेंगे, उससे कोई दुर्घटना हो सकती है, लोग बीमार पड़ सकते हैं, लोगों की मौत हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हानिकारक हैं। वो तो सरकार को देखना चाहिए ना, सरकार क्या कर रही है, ये सरकार की गलतियाँ हैं, सरकार की गलतियाँ भाई। मैं तो आप लोग जागरूक क्यों नहीं है इसके लिए? यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, ऑफर चल रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई बॉटल नहीं ले जा रहा है, पेटी की पेटी जा रही है, पेटी जा रही है भाई, सरकार सही कर रही है, ये दारू बट रही है तो जहाँ बिल्कुल सही कर रही है। अरविंद केजरीवाल फिर से आ रहे हैं दिल्ली में भाई, ये तो नहीं पता कौन आएगा, मेरे हिसाब से तो मोदी आएगा। अब अरविंद केजरीवाल जी अगर शराब बांट रहे हैं तो इसका मतलब तो फ्री ही है, अगर वो सही कर रहे हैं। दिल्ली में बाबा आएगा अब की बार भाई, दिल्ली में बाबा, योगी बाबा। अरे वो उत्तर प्रदेश में भाई, यूपी में तो आ ही गया, वो दिल्ली में भी आके बैठेगा। अरे योगी बाबा यूपी में बिजी है, योगी ठीक है। शराब जो है ये एक के साथ एक मुफ्त मिल रही, क्या सरकार को देखना चाहिए ना, सरकार क्या कर रही है, उन्हें भी तो पता है पब्लिक पिएगी, जब ज्यादा पड़ रहे हैं हमें क्या दिक्कत है लेने में, सरकार दे रही है। इसमें इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, 4 दिन हो गए, आज 4th दिन है लगातार, ये 31 मार्च तक कह रहे हैं कि चलेगा ऐसा। 31 मार्च तक? हाँ, मतलब 31 मार्च तक आप लोगों की ऐश ही ऐश है? हमारी ऐश ही नहीं है, हम तो आज पहली बार आए ट्राई करने, बट ऐसा कुछ नहीं है, बस सरकार को देखना चाहिए। और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। लगातार 4th दिन है आज, और शराब जो है वो सस्ते दामों पर मिल रही, क्या कहेंगे? पता नहीं, मेरे को तो आज ही पता चला जब मैं आया हूँ। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 25। अच्छा, 25 साल के हैं आप, लग नहीं रहे 25 साल के हैं आप। और भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग हैं, ये देखिए स्टॉक है इनके पास, इनसे जान लेते हैं कि जो प्राइस है वो कितना कम हुआ है, शराब कितने कम दामों पर मिल रही है इस समय। भैया ये अपना पैसा बना रहे हैं ठेके वाले, ये जो बोतल है जो 400 की रेट है ना, इस पर वो 450 की दे रहे हैं। अच्छा। जो प्रिंट रेट 400 रुपये है उसको 450 की दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक फ्री दे रहे हैं। फिर एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री मिल रही है? एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री है, लेकिन ये ऊपर से पैसे ही ले रहे हैं। जैसे प्रिंट रेट बोतल पे 400 रुपये है ना, तो ये 450 रुपये लेंगे उस बोतल का, लेकिन उसके बाद जब एक बोतल आपको फ्री देंगे, तो जो बोतल 400 रुपये की है उसको 400 में दो ना, प्रिंट रेट जो है उसको तुम 450 में क्यों दे रहे हो? अच्छा, एक चीज़ आप मुझे ये बताइए, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री मिल रही, मतलब एक बोतल अगर आप लेने आए हो तो एक बोतल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं गलत नहीं है सरकार की ये नीति? गलत तो है, लोगों को बेवड़ा बनाने के चक्कर में। आप कितनी लेके आए हैं अभी? मैं एक बियर की पेटी ले आ रहा हूँ। कौन सी बियर है ये? ये नाम तो मेरे को पता नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। रॉकबर्ग लिखा है? कितने की पड़ी ये? 800 की दी है। एक दिन का है कोटा या लंबा चलेगा? भैया पहले तो कभी कभार पीने वाले थे, आजकल ये है कि डेली बेवड़े बने रहेंगे। सरकार मदद कर रही है आपकी? मुर्गे वाले उनका ही मजे है, कहते साथ में चाहिए बोटी छोटी, ठीक है भैया। लेकिन ये है कि ये तो गलत ही हो रहा है यार, पी के आदमी भाग जाता है, हर चीज़ गलत ही करता है, कोई चीज़ अच्छी नहीं करता है। लेकिन भैया मिल रहा है ऊपर, पीने वाले हैं तो लेके जाएंगे, ठीक है ना, ये जब तक है उसके बाद तो फिर नहीं रहेगा, थोड़े बहुत। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की नीति यहाँ पर गलत होती है, ये मान लेते हैं। ये थे वो तमाम लोग, इनसे हमने बात की, यहाँ पर बहुत लंबी भीड़ लाइन लगी हुई है, लगभग ये शराब ठेका है यहाँ पर, और लगभग 50 लोग यहाँ लाइन में लगे हुए थे, लगभग आधे दामों पर आधी कीमत पर जो शराब है वो यहाँ पर मिल रही है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। और इन्होंने हमें ये भी बताया कि जो MRP है उससे थोड़े से ज़्यादा दामों पर जो शराब है वो मिल रही है, अगर 400 रुपये MRP है तो 450 रुपये उसका चार्ज किया जा रहा है, उसका बिल किया जा रहा है।
सरकार को, दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कुछ नियम होने चाहिए, कुछ कायदे कानून होने चाहिए। एक के साथ एक जो शराब है वो यहाँ पर फ्री मिल रही है और इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अगर कल को कोई दुर्घटना होती है, लोग बीमार पड़ते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।